Dear class 5th student in English class, today I will do write some important question in your these class. So let us start. Question number 1, write words meaning. हमें जो है पहला question है, इसमें word meaning लिखना है. हम लोग some important question अभी बना रहे हैं. तो पहला question write word meaning है. वर्ड देखिए, ये वर्ड है और इसका ये मीनिंग है. वर्ड है मिस्ट्री. मिस्ट्री का मीनिंग होता है ए थिंग्स दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड, एक ऐसी चीज जो कि समझी ना जा सके. एंड रहस्य, एक रहस्य होता है वो, ना समझी जाने वाली चीजें, मुअम्मा. उसके बाद हियर, ईयर. ईयर मीन्स होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, वारिस. उसके बाद है स्प्रॉट. स्प्रॉट मीन्स होता है टू ग्रो, उगना. उसके बाद है डाउन हार्टेड. डाउन हार्टेड मीन्स सैड, दुखी, उदास, मतलब हर तरफ से नाउमीद हो जाना. फास्टेंड. फास्टेंड मीन्स टू टाई, बांधना. फैंट. फैंट मीन्स नॉट क्लियर, जो कि क्लियर ना हो. अस्पष्ट. चिली. चिली मीन्स कोल्ड, सर्द. ऊज. ऊज मीन्स फ्लो स्लोली, रिसाव होना. उसके बाद है बलर, समथिंग नॉट क्लियर. ये बलर मीन्स भी होता है कोई चीज जो कि साफ ना हो. धुंधली. स्टंग, बाइट पॉइजनस, ऐसा काटना जो जिससे हमें दर्द हो. डंक मारना. एक बार फिर देखिए, मिस्ट्री. मिस्ट्री मीन्स ए थिंग दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड, मीन्स रहस्य. ईयर, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, वारिस जिसे कहते हैं. स्प्रॉट. स्प्रॉट मीन्स टू ग्रो, उगना, उपजना. डाउन हार्टेड. डाउन हार्टेड मीन्स सैड, जैसे दुखी या उदास. फास्टेंड, टू टाई मीन्स बांधना. फैंट, नॉट क्लियर, जो कि क्लियर ना हो, साफ ना हो, अस्पष्ट हो. चिली, कोल्ड, सर्द जो होता है उसे चिली कहते हैं. ऊज, फ्लो स्लोली, धीरे धीरे बहना, मतलब रिसाव होना. बलर, समथिंग नॉट क्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं है. धुंधली. स्टंग, बाइट पॉइजनस. पॉइजनस मतलब ऐसा डंक मारना जिससे हमें दर्द हो. स्टंग मीन्स बाइट पॉइजनस, डंक मारना. तो ये वर्ड मीनिंग है, इसे आप लोग पहले देख लीजिए. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट आंसर of the following questions. इसमें ए है, why did रामनाथ गो टू मीट द सेज. आंसर है रामनाथ व
went to meet the sage to know the process. Yeah, chai pila na. Thanda hua. To get magical potion. Okay, why did Ramnath go to meet the sage? Ramnath sage se milne kyun gaya? Answer hoga, Ramnath went to meet the sage to know the process to get magical potion. Ramnath sage ke paas gaya ताकि वो मैजिकल पोशन जादुई जो लिक्विड गेट करना है वो कैसे होगा उसका प्रोसेस जानने के लिए. तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, व्हाई डिड रामनाथ गो टू मीट द सेज. आंसर है रामनाथ वेंट टू मीट द सेज टू नो द प्रोसेस टू गेट मैजिकल पोशन. बी है व्हाट did windows darkening and brightening signify. आंसर है डार्कनिंग एंड ब्राइटनिंग विंडोज सिग्निफाई द डे एंड नाइट. दूसरा क्वेश्चन है बी का, व्हाट डिड विंडोज डार्कनिंग एंड ब्राइटनिंग सिग्निफाई. खिड़की का अंधेरा होना फिर उजाला हो जाना ये क्या दिखाता है, क्या सिग्निफाई करता है. आंसर है डार्कनिंग एंड ब्राइटनिंग द विंडोज सिग्निफाई द डे एंड नाइट बीइंग. अंधेरा हो जाना, विंडो का अंधेरा हो जाना फिर चमक का आ जाना ये दिन और रात के होने को दिखाता है. तो बी का क्वेश्चन है व्हाट डिड विंडोज डार्कनिंग एंड ब्राइटनिंग सिग्निफाई. आंसर होगा डार्कनिंग एंड ब्राइटनिंग द विंडोज सिग्निफाई द डे एंड नाइट बीइंग. उसके बाद सी है, इतना आप लोग देखिए, अब सी को हम लोग देखते हैं. सी है वाई डेड रिच मैन हैंग हिज हेड इन शेम. आंसर है
when Mullah Nasiruddin said to rich man that I came in ragged cloth, you do not treated well. You couldn't know me. Again, I came in good dress. Then you honored me. Its meaning you honor my dress, not mine. So it is true. This delightful food are not for me. But for my dress, on this rich man hang his head in shame. देखिए क्वेश्चन क्या है कि why did rich man hang his head in shame? अमीर आदमी अपना सर शर्म से क्यों झुका लिया? आंसर है when Mullah Nasiruddin said to rich man that I came in ragged cloth, you do not treated well. जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि जब मैं फटे कपड़े में आया तो आप मुझसे बेहतर बर्ताव नहीं किए. यू कुड नॉट नो मी, आप मुझे पहचान नहीं सके. अगेन आई केम इन गुड ड्रेस देन यू ऑनर्ड मी, और जब मैं अच्छे कपड़े में आया तो फिर आप मेरी इज्जत किए. इट्स मीनिंग यू ऑनर माई ड्रेस नॉट माइन. इसका मतलब हुआ कि आप मेरा ऑनर नहीं कर रहे, मेरी इज्जत नहीं कर रहे, मेरे ड्रेस का इज्जत कर रहे. So it is true, this delightful food are not for me. इसलिए ये सही है, ये delightful, ये स्वादिष्ट मजेदार खाने जो हैं, वो मेरे लिए नहीं है. लेकिन for my dress, लेकिन ये मेरे dress के लिए. On this, rich man hang his head in shame. इस बात पे, इस पे अमीर आदमी ने अपना सर शर्म से झुका लिया. एक बार फिर से देखिए,
Why did rich man hang his head in shame? Answer है, when Mullah Nasiruddin said to rich man that I came in rag cloth, you do not treated well. You could not know me. Again I came in good dress, then you honored me. Its meaning, you honor my dress, not mine. So it is true, this delightful food are not for me, but for my dress. On this, rich man hang his head in shame. देख लीजिए, बहुत तकलीफ दे रहा हूँ आपको ना, कितना टाइम? पंद्रह चलिए अब हम डी लिखते हैं. क्या करे, बोले हुए मुनि साहब को लात दे ही नहीं इस टाइम. क्वेश्चन डी है. ऐसा कीजिए, बंद स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए तो रुक जाएगा, स्टॉप कर दीजिए, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे इससे आगे करेंगे.